आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान युग में हम क्या उपयोगिता है न्याय दर्शन की? देखिए, किसी भी दर्शन का प्रादुर्भाव, किसी भी जब दर्शन का प्रादुर्भाव एक वैचारिक जो उथल पुथल होती है उससे होता है, जो एक विचारों के उथल पुथल, हमारे भारतीय वाङ्मय के अगर हम 6 दर्शनों की बात करते हैं तो जो बौद्ध काल था उसमें ये जो 6 भारतीय दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ उसके पीछे मुख्य कारण यह था कि जो बौद्ध काल में जो संशयवाद और नैराश्यवाद ने जन्म लिया था और जो एक उथल पुथल हो गई थी कि धार्मिक कट्टरता के विरोध में बौद्ध धर्म ने, बौद्ध विचारकों ने ये कहा कि तर्क प्रमाण की बात से ही कोई भी चीज़ को सिद्ध किया जाए, ऐसे समय में जो पुरानी मान्यताएं थीं, जो धार्मिक कट्टरता थी उसका स्थान विचलित हुआ, उसका स्थान विचलित हुआ और जो एज इट इज ले लेने की जो प्रवृत्ति थी कि जो कहा गया है, श्रुतियों ने कहा, जो वेदों ने कहा, उसको हमने एज इट इज बिना सोचे समझे, बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए हमने उसको मानना शुरू कर दिया था। यहां पर एक सवाल उठा और सवाल उठा कि हम आखिर किसी भी तथ्य को बिना प्रमाणित किए क्यों स्वीकार करें? रामायण और महाभारत काल में भी देखिए, पुराना कोई भी विचारधारा का जो उत्पत्ति होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड होता है। रामायण और महाभारत काल में भी सवाल पूछना, धर्म के प्रति सवाल पूछना मना था। अन्वीक्षिकी जिसको कहते हैं, अन्वेषण करना, धार्मिक जो हमारे धार्मिक मान्यताएं थी उनके लिए सवाल उठाना गलत था। जब बौद्ध धर्म के विचारकों ने संशयवाद को जन्म दिया, वेदों की जो प्रश्न चिन्ह है उनके ऊपर संदेह किया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म वेद विरोधी धर्म है, तो भारतीय दर्शन में खट दर्शनों का जन्म हुआ। और खट दर्शन थे सांख, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उसी में से एक न्याय दर्शन, जो न्याय दर्शन ने कहा कि कल्पना से आगे बढ़ करके हमें किसके ऊपर ध्यान देना है? समीक्षा के ऊपर, विश्लेषणात्मक के ऊपर, विश्लेषणात्मक विवेचन करना है चीजों का। जो पूरा व्यवस्था हिल गई थी, बौद्ध विचारकों ने जो प्रश्न उठाए थे, ऐसे समय में गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। तो इसकी अगर हम कालखंड के बारे में विचार करें तो न्याय दर्शन का काल बौद्ध काल से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इसकी जो न्याय विवेचना थी, इसका जो समीक्षात्मक पहलू था वो बौद्ध काल से प्रारंभ हो गया और ईसा पूर्व 3री शताब्दी, बहुत सारे मतभेद हैं, कुछ 4थी कहते हैं, कुछ 3री कहते हैं, तो काल में ना जाकर के आज हम उसकी, चूंकि शैक्षिक उपादेयता पर हमें चर्चा करनी है, वो पहलू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3री शताब्दी थी या 4थी शताब्दी थी उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक जन मान्यता है कि 3री शताब्दी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में न्याय दर्शन का प्रतिपादन हुआ महर्षि गौतम के द्वारा। कोई कोई इस दर्शन का नाम अक्षपाद दर्शन भी कहता है। अक्षपाद, अक्ष मने आंख और पाद मने पैर। इसके पीछे भी एक किंवदंती है, कथा है कि एक बार जो गौतम ऋषि थे, कुछ लोग कहते हैं कि गौतम ही अक्षपाद के नाम से जाने जाते हैं, तो उनका मान्यता थी कि एक बार गौतम ऋषि जो थे वो अपनी मगन में चले जा रहे थे और वो कुएं के अंदर गिर पड़े। कुएं के अंदर जब वो गिर पड़े तो उनको जो ईश्वर ने उनके पैरों में आँख दे दी, इसलिए कहते हैं अक्षपाद, जिसके पैर में आँख है उसको कहते हैं अक्षपाद।
तो मान्यता है कि अक्षपाद और गौतम एक हैं, कुछ लोगों की मान्यता है कि अक्षपाद अलग हैं और गौतम अलग हैं, उसमें भी हमें नहीं जाना क्योंकि ये जिन चीज़ों को हम अलग अलग तरीके से सुनते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा विश्लेषणात्मक हम नहीं हो सकते। अब न्याय और जिस तरीके से सांख्य, जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सांख्य दर्शन सिद्धांतिक पहलू है और योग दर्शन सिद्धांतिक पहलू का व्यवहारात्मक पहलू, सांख्य का व्यवहारात्मक पहलू योग है, उसी तरीके से न्याय और वैशेषिक, न्याय और वैशेषिक दोनों को ही हम समान श्रेणी में रखते हैं, दोनों ही विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर देते हैं। न्याय दर्शन भी विश्लेषणात्मक पर जोर देता है और वैशेषिक भी विश्लेषणात्मक पर जोर देता है, इसलिए दोनों को साथ साथ भी माना जाता है कि न्याय और वैशेषिक, क्योंकि दोनों ही विचारों में काफी समानता देखने को मिलती है जिस तरीके से सांख्य और योग में है। ठीक, दूसरी बात, न्याय दर्शन का जो उद्भव हुआ उन सभी संशय को, उन सभी जो मन में विचार द्वंद था उनको दूर करना था, उन संशय को दूर करना था जो कि बौद्ध विचारकों द्वारा उत्पन्न हुए थे। न्याय दर्शन का उद्देश्य, न्याय दर्शन बौद्ध विचारकों द्वारा उत्पन्न संशयवाद को दूर करना था। एक झंझावात आई थी, अब बात करते हैं। तो आज हम लोग जो जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पहला होगा कि आखिर न्याय को न्याय क्यों कहा जाता है, दूसरे बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे कि न्याय दर्शन का कार्य कारण सिद्धांत क्या है, कॉजेशन थ्योरी क्या है, तीसरी चर्चा करेंगे कि न्याय की थियोलॉजी क्या है, उसका ईश्वर विचार क्या है, उसका आत्मा विचार क्या है, मोक्ष के बारे में क्या कहता है, और सबसे मुख्य पहलू है न्याय का उसकी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। न्याय दर्शन अपने ज्ञान मीमांसा के लिए एक अग्रणी स्थान रखता है। तो उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, कौन से ज्ञान के सिद्धांत हैं, कौन से ज्ञान के साधन हैं जिनके जरिए ज्ञान हासिल किया जा सकता है, ये हम एपिस्टेमोलॉजी में चर्चा करेंगे। तो पहली जो बात करेंगे कि न्याय, आखिर न्याय का मतलब क्या है, न्याय का अर्थ क्या है। न्याय का अर्थ आज किसी ने जो है एक डाला, पोस्ट डाली अपने उसमें जस्टिस, उसमें इंग्लिश का उसने ट्रांसलेशन किया न्याय दर्शन का कि फिलोसफी ऑफ जस्टिस, फिलोसफी ऑफ न्याय, जस्टिस वही है, अंग्रेजी में जस्टिस हम कहेंगे लेकिन अलग तरीके से। न्याय का मतलब होता है किसी भी तथ्य की, किसी भी बात की गूढ़ता में जा करके प्रमाणों के साथ समीक्षा करना, किसके साथ, प्रमाणों के साथ, प्रमाणों के साथ जब तक समीक्षा नहीं करेंगे हम न्याय नहीं कर सकते। तर्क, तर्क भी कैसा, प्रमाणों के साथ तर्क। तो सूक्ष्म अर्थ में अगर हम देखें, संकुचित अर्थ में देखें, तो न्याय का मतलब क्या है कि सही, उचित, ठीक। संकुचित अर्थ में न्याय का मतलब है कि ठीक है, उचित है, और व्यापक अर्थ में न्याय का अर्थ है किसी भी तथ्य की प्रमाणों के सहित समीक्षा करना, प्रमाणों के साथ समीक्षा करना, तर्क के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा समीक्षा करना। मेरे पास ये एक ये फ्लैश कर रहा है कि प्रश्न पूछने की मनाही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है, प्रश्न पूछने की मनाही बिल्कुल नहीं है, आप जितना प्रश्न पूछ सकते हैं पूछें, लेकिन आप अपने प्रश्न थोड़ा बाद में अगर पूछेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी होगा कि हम पहले अपनी बात को कह लें,
उसके बाद आप अपने प्रश्न रखते रहिएगा, जिससे कि बाद में उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। इसी बात है, उसके समस्त पहलुओं का जब हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, वो न्याय का व्यापक अर्थ है। अब अगर हम देखें कि वह ऐसा समीक्षात्मक पहलू जिसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि न्याय दर्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क विचार विमर्श करके प्रमाणों के माध्यम से एक निष्कर्ष तक पहुंच सके। डॉक्टर राधाकृष्णन ने न्याय की परिभाषा दी है। इसी तरीके से न्याय जो है वो तर्क का पर्याय है, कुतर्क नहीं, वितंडा नहीं, तर्क। तर्क कैसा? कि हम अपने जो भी हम साक्ष्य देना चाहते हैं, जो भी हम बात कहना चाहते हैं, उनके पीछे तर्क हो, सही लॉजिकल बातें हो, ठीक। अब अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में अगर हम सोफिस्ट विचारकों को भी देखते हैं तो सुकरात ने क्या किया था, वाद विवाद के जरिए लोगों की कौतूहलता को शांत किया था, है ना। लोगों को कौतूहलता की, उनकी कौतूहलता को प्रश्न के माध्यम से ही, कि जब तक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो मन में कौतूहलता है उसको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। तो वाद विवाद के माध्यम से अरस्तु ने भी वाद विवाद के जरिए बात को सही सिद्ध करने का प्रयास किया। तो ये पुराने उसमें भी देखने को मिलते हैं, पाश्चात्य विचारकों में भी देखने को मिलते हैं, और भारतीय दर्शन में तो है ही। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से न्याय का जो, ठीक है, न्याय का मतलब क्या है, किसी भी तथ्य की तर्क के जरिए समीक्षा करना जिससे कि एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, ठीक। अब न्याय दर्शन अपने कार्य-कारण सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है, कार्य-कारण सिद्धांत। सांख्य दर्शन सत्य कार्यवाद सिद्धांत की बात करता है, सत्य कार्यवाद, लेकिन न्याय दर्शन उसका ऑपोजिट है। न्याय दर्शन किसका बात करता है? असत कार्यवाद। यानी कि इसका मतलब क्या है, न्याय के अनुसार कार्य कारण स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है, कार्य कारण स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एविडेंट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तीन तरीके के कारण बताए हैं न्याय दर्शन के मुताबिक। तीन तरीके के कारण है, पहला है उपादान, दूसरा है असमवाय, जिसको हम नॉन एरेंट कहते हैं, उपादान को हम मेटेरियलिस्टिक कॉज कहते हैं, और असमवाय को हम नॉन इनहेरेंट, और तीसरा है निमित्त कारण। निमित्त कारण यानी उसके पीछे हम क्या चीज़ जो है वो, हम क्या निमित्त है, उसके पीछे सोर्स क्या है, ठीक है ना, सोर्स क्या है। अब अगर हम बात करते हैं कि मटेरियल कॉज, जो असत कार्यवाद की बात करते हैं कि मटेरियल कॉज, मटेरियल क्या है, तो एक छोटे से एग्जांपल के जरिए इसको समझाया जा सकता है कि जो घड़े का उत्पत्ति का कारण क्या है, घड़े की उत्पत्ति का कारण क्या है, मिट्टी। ये जो हम वस्त्र पहनते हैं, तो क्या ये वस्त्र ही अपने आप में उत्पन्न हो गया? इस वस्त्र की उत्पत्ति का कारण है सूत। क्या है? मटेरियलिस्टिक कॉज। मटेरियलिस्टिक कॉज क्या है? घड़े की उत्पत्ति का मटेरियलिस्टिक कॉज क्या है? मिट्टी। और मिट्टी पहले से विद्यमान है, ठीक, मिट्टी पहले से विद्यमान है। इसको समझिएगा कि
सांख्य दर्शन ये कहता है, सत्कार्यवाद सिद्धांत की विवेचना करता है, वो ये कहता है, सांख्य दर्शन ये, दोनों का अंतर समझिए, सत्कार्यवाद ये कहता है कि चूंकि मिट्टी पहले से मौजूद थी इसलिए घड़ा बना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा न्याय दर्शन कहता है कि ठीक है कारण था, लेकिन बनाने के लिए निमित्त कौन बना, पहले से मौजूद होता तो मिट्टी में मौजूद होता ना, क्या घड़े, क्या निमित्त के बगैर, निमित्त के बिना, कुम्हार के बिना, जुलाहे के बिना कपड़े का निर्माण हो सकता था, घड़े का निर्माण हो सकता था। यहां जुलाहे से तात्पर्य है कि जो कपड़ा बनाए, कपड़े से तात्पर्य, जुलाहे से तात्पर्य है जो कपड़ा बनाए, कुम्हार से तात्पर्य है कि जो घड़ा बनाए, कोई भी बनाएगा, जो भी बनाएगा, जो भी उसका निमित्त बनेगा, तो उसके लिए मटेरियल क्या था, मिट्टी थी, लेकिन उसको घड़े के रूप में शेप देने का कार्य कौन बना, कुम्हार बना, तो इसलिए कुम्हार क्या है, निमित्त है, और मिट्टी क्या है, सूत क्या है, कपास क्या है, नेचुरलिस्टिक कॉज है, ठीक। अब दूसरा आता है नॉन इनहेरेंट, असमवाय, क्या खाली एक तंतु से, एक सूत से कपड़ा बन सकता था, नहीं बन सकता था, क्या मिट्टी उठा करके ही घड़ा बन सकता था, नहीं बन सकता था, तो तंतुओं का जो संयोग हुआ, जो कपड़े के जो रेशे थे उनका जो संयोग हुआ, उससे कपड़े का निर्माण हुआ, किसके जरिए, निमित्त के जरिए। तो तीन कारण हैं, कार्य कारण सिद्धांत के तीन कारण हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि न्याय दर्शन के मुताबिक कितने कारण हैं, कारण के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, पहला है उपादान कारण, तीसरा है असमवाय कारण और तीसरा है निमित्त कारण। उपादान कारण यानी कि मटेरियलिस्टिक कॉज, घड़े के लिए मिट्टी का होना, निमित्त जिसने उसको बनाने का प्रयत्न किया, पहले से बना बनाया कपड़ा और बना बनाया घड़ा सृष्टि में मौजूद नहीं था, ठीक। आई होप क्लियर टू यू। तो इसीलिए न्याय दर्शन की कार्यकारण सिद्धांत को असत कार्यवाद सिद्धांत कहा जाता है, जो कि सांख्य दर्शन के सत्कार्यवाद से भिन्न है। सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य ऑलरेडी जो था, कार्य जो था वो ऑलरेडी कारण में मौजूद था, ठीक। अब बात करते हैं कि न्याय दर्शन के मुताबिक मेटाफिजिक्स क्या है, न्याय दर्शन का मेटाफिजिक्स क्या कहता है, तत्व मीमांसा क्या कहती है, ईश्वर संबंधी क्या है, क्योंकि न्याय, याद रखिएगा कि न्याय दर्शन ईश्वर पे, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। और एक चीज मैं यहां और क्लियर कर दूं, स्पष्ट करना उचित है, जरूरी है कि सांख्य दर्शन ईश्वर की बात नहीं करता, लेकिन वो आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में आता है। तो यहां पर भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक उन दर्शनों को कहा गया है जो वेद में आस्था रखते हैं वो आस्तिक है, और जो वेद में आस्था नहीं रखते हैं वो नास्तिक है। ईश्वर संबंधी विचार के कारण आस्तिक और नास्तिक नहीं कहा गया। आस्तिक दर्शनों में हमारे भारतीय दर्शन के खड़ दर्शन आते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ये खड़ दर्शन आस्तिक, क्योंकि ये वेद समर्थक है, वैदिक विचारधारा से ही निकले हैं, इसलिए इनको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। और नास्तिक विचारधारा कौन सी है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक, ठीक। तो ईश्वर के प्रति बात
करता है सांख्य न्याय दर्शन ईश्वर के लिए जो विचार है उसकी दृष्टि से ईश्वर जो है वो चैतन्य से युक्त है, चैतन्य से युक्त है। ईश्वर ही इस सृष्टि का कारण है, ईश्वर इस सृष्टि का कारण है और उसने इस सृष्टि की रचना जो करी है वो परमाणु के संयोग से करी है। परमाणु क्या है, प्रश्न उठता है कि परमाणु क्या, कौन से परमाणु? परमाणु है पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इनके संयोग से, इनके संयोग से इस सृष्टि की रचना हुई, ईश्वर ने करी। और समय समय पर न्याय दर्शन के मुताबिक समय समय पर सृष्टि का विध्वंस का कार्य भी, क्योंकि रचयिता भी वही है और विध्वंस का कार्य भी वही समय समय पर करेगा। ठीक है, कि सृष्टि की रचना का कारक, सृष्टि को रचने का जो रचना जिसने करी वो ईश्वर है और उसने परमाणु के संयोग से सृष्टि की रचना करी। परमाणु पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। ठीक, ये चार अवयव थे, चार परमाणुओं के संयोग से सृष्टि की रचना हुई और ईश्वर अपनी ही बनाई हुई रचना को समय समय पर क्या करेगा, विध्वंस भी करेगा। कैसा विध्वंस? कि जो हम आए दिन जब भी इन चारों परमाणुओं में जो है वो डिसबैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, उससे क्या होगा, विध्वंस होगा। और हम ये अनुभव करते हैं, ठीक है ना, भूकंप का आना, प्रलय का आना, सॉरी बाढ़ का आना, ये क्या है, ये विध्वंस की निशानियां हैं। ठीक, अब ईश्वर को न्याय दर्शन में छह गुणों से युक्त माना गया है। न्याय दर्शन ने ईश्वर को छह गुणों से युक्त माना है। कौन कौन से हैं? उसका पहला गुण है मैजेस्टिक, ओजस्विता, कि ईश्वर कैसा है, मैजेस्टिक है। दूसरा उसका गुण है ऑलमाइटी है, वीरत्व से भरपूर है। और तीसरा उसका गुण है ऑल ग्लोरियस है। चौथा उसका गुण है इन्फिनिटली ब्यूटिफुल है। अभी बात करेंगे कि क्या प्रमाण है। पांचवा उसका गुण है नॉलेज है, ज्ञान है उसमें। और छठा उसका गुण है वैराग्य है, डिटैचमेंट है। ईश्वर में डिटैचमेंट है, वैराग्य है। अब सवाल ये उठता है कि न्याय दर्शन चूंकि तर्क की बात करता है, प्रमाणों की बात करता है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रमाण है कि ईश्वर है, ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण क्या है, कि कहाँ है ईश्वर? अगर हम कहते हैं कि ईश्वर ऑल ग्लोरियस, मैजेस्टी, दिस एंड दैट, कहाँ है वो ईश्वर, उसकी प्रमाण क्या है, न्याय दर्शन से पूछा जाता है। प्रमाण देता है न्याय दर्शन, क्या प्रमाण देता है? न्याय दर्शन के मुताबिक, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी। ठीक है, सृष्टि की रचना करी और वही इसका विध्वंस करेगा, वही इसका संहार करेगा, वही इसका सृष्टि का नियामक भी है। तो कैसे उसकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध की जाए? उसकी प्रामाणिकता के लिए न्याय दर्शन दो तर्क देता है, दो तर्क देता है। पहला तर्क है कारणाश्रित तर्क, कैजुअल रिलेशनशिप, कॉजल लॉजिक। वो ये कहता है कि ये जो जितने भी हमारे ये जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे आत्मा मन जितने भी हमारे ये फाइव जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये ईश्वर को प्रमाणित कर रहे हैं। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, मन, ये ईश्वर को प्रमाणित कर रहे हैं, ईश्वर की प्रामाणिकता को सिद्ध कर रहे हैं। जिस तरीके से
कुम्हार के बगैर घड़े को नहीं बनाया जा सकता था, उसी तरीके से ईश्वर के बगैर इन पांचों तत्वों को संयोग के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं किया जा सकता था। तो इस सृष्टि का निर्माण किससे किया? परमाणुओं से किया। लेकिन कुम्हार कौन है सृष्टि का? जिस तरीके से घड़े का रचयिताकार रचनाकार कुम्हार है, उसी तरीके से सृष्टि का रचनाकार ईश्वर है। क्लियर? इस सृष्टि का रचनाकार मिट्टी के संयोग से घड़ा बना, उसी तरीके से परमाणुओं के संयोग से निमित्त कौन बना? निमित्त की बात करता है न्याय दर्शन। निमित्त कौन बना? ईश्वर, जो कि अदृष्टा है लेकिन सर्वव्यापक है। यह है कॉजल रिलेशन, कॉजल आर्ग्यूमेंट। और दूसरा तर्क देता है न्याय दर्शन, कहता है, कभी कभी ये सवाल मेरे मस्तिष्क में तो उठता है, जरूरी, मैं मानती हूँ कि आप लोगों के मन में भी उठता होगा, मेरे मन में आता है ये सवाल कि संसार में इतनी विषमता क्यों है? कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति जन्म से ही माता पिता विहीन है, कोई व्यक्ति इतने बुरे कर्म कर रहा है इसके बावजूद भी सब सुखों का भोगता है, और कुछ लोग सत्कर्म कर रहे हैं इसके बावजूद भी कष्ट भोग रहे हैं, तो ये कौन सा तर्क है न्याय का? नैतिक तर्क। न्याय दर्शन के मुताबिक जो ईश्वर है उसने सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल दिया है। गीता में भी इसी बात की चर्चा है, गीता में भी कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। गीता में भी यही कहा गया है कि कर्म के कारण ही व्यक्ति को और अच्छा और बुरा परिणाम मिलता है। यही बात न्याय दर्शन कहता है कि जो संसार में आप विषमता देख रहे हैं वो किसके कारण है? ये व्यक्ति के अपने कर्मानुसार है। आता है मेरे मन में ये विचार कि इस संसार में इतनी विषमता, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, एक क्यों है? ऊंच नीच, मैं जाति धर्म की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि एक व्यक्ति पैदा होते ही साथ माता पिता विहीन हो जाता है, किसी की माता, कोई माता के सुख से वंचित हो जाता है, कोई पिता के सुख से वंचित हो जाता है। क्यों? अगर वो जो है सब कुछ एक नॉर्मल उससे चल रहा है तो फिर किसी के साथ ये ऐसा क्यों? अगेन यहाँ पर कर्म की थ्योरी ही काम आती है कि अपने अपने कर्मों के अनुसार आत्मा को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। तीन प्रकार के कर्मों की बात कही गई है गीता में भी, संचित, प्रारब्ध और संचायमान। एक प्रारब्ध है, एक संचित है और एक संचायमान है, जिसके साथ हम अपना जीवन का चक्र हमारा घूमता है। तो ईश्वर की प्रामाणिकता के संदर्भ में न्याय दर्शन ने दो तर्क दिए हैं। पहला तर्क कि परमाणु के जिस प्रकार से घड़े को बनाने वाला कुम्हार है, उसी प्रकार परमाणु से इस सृष्टि की रचना करने वाला वो ईश्वर रूपी कुम्हार है जिसने इस सृष्टि की रचना करी है। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कि जो है व्यक्ति है, आत्मा क्या है? ईश्वर के बारे में तो उसने तर्क दे दिए, आत्मा क्या है? वो ये कहता है, न्याय दर्शन ये कहता है कि जो आत्मा है, देखिएगा इसको समझिएगा कि शंकर का अद्वैत वेदांत एकात्मवाद की बात करता है और न्याय दर्शन अनेक आत्मवाद की बात करता है। शंकर का अद्वैत वेदांत एकात्मवाद यानी एक आत्मा की बात करता है
लेकिन न्याय दर्शन किसकी बात कर रहा है? अनेक आत्मवाद की, कि आत्माएं अनेक हैं। अब सवाल फिर उठता है, सवाल ये उठता है कि कैसे माना जाए आत्माएं अनेक हैं? क्या प्रमाण है कि आत्मा अनेक है? सवाल दर्शन, सवाल एक सवाल से दूसरा सवाल उठना लाजमी है। वो ये कहता है कि अगर आत्मा एक होती तो एक ही आत्मा को सब व्यक्ति को जो सुख और दुख का अनुभव होता वो एक समान होता। नहीं होता ना, सुख दुख का अनुभव एक समान नहीं होता। एक आत्मा अगर एक होती तो हम एक आत्मा के मरने पर सबका मरण होता, लेकिन नहीं, अनेक आत्माएं हैं, हर आत्मा को अपने अपने कर्मानुसार फल भोगने हैं। आत्मा सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो किसको होती है? आत्मा को होती है। हम मन से दुखी होते हैं, क्यों नहीं होते? हम अपनी इंद्रियों से दुखी क्यों नहीं होते? ज्ञानेंद्रियां है ना हमारे पास तो, लेकिन नहीं, आत्मा है जो सुख और दुख की अनुभूति करती है। तो अगर एक ही आत्मा है तो सबका सुख और दुख समान होना चाहिए था, एक जैसे कर्म मिलने चाहिए थे, एक जैसी सजा मिलनी चाहिए थी। तो यहां पर आकर के कहीं ना कहीं हम एक अनेक आत्मवाद की बात न्याय दर्शन करता है कि आत्मा जो है वो एक नहीं है, और आत्मा अनेक आत्मवाद की थ्योरी का समर्थन करता है। ठीक, आत्मा सांख्य दर्शन में आत्मा चैतन्य है। सांख्य दर्शन की जो आत्मा है वो चैतन्य है, लेकिन न्याय दर्शन के अनुसार जो आत्मा है वो अचैतन्य है। और जब ये इंद्रियों के संयोग में आती है, मन के संयोग से आती है, मन के साथ संयोग करती है, तब इसमें चैतन्यता का गुण आता है। जब ये ज्ञानेंद्रियों के साथ संयोग करती है, जब ये मन के साथ संयोग करती है, तब इसमें चैतन्यता का गुण आता है। तो ये तो हो गए न्याय दर्शन के ईश्वर संबंधी विचार, आत्मा संबंधी विचार। अब मोक्ष के बारे में क्या कहना है? बंधनों को काट करके आत्मा के बंधनों से मुक्ति पाना ही मोक्ष है। और मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब ये है कि जब हमारी आत्मा को सुख और दुख, आत्मा को सुख और दुख दोनों की अनुभूति खत्म हो जाती है, वो मोक्ष है, वो बंधन मुक्ति है। ठीक, आत्मा को यहां पर दूसरी विचारधाराओं ने इस बात का विरोध किया है कि ऐसा कैसे कह सकते हो कि सुख की भी चरमानंद की प्राप्ति तो मोक्ष है, परम आनंद की प्राप्ति मोक्ष है। तो न्याय दर्शन कहता है नहीं, आत्मा जब मोक्ष की स्थिति में होती है तो सुख और दुख दोनों का भेद खत्म हो जाता है, तभी तो मोक्ष है। जब सुख की भी अनुभूति से ऊपर और दुख की भी अनुभूति से ऊपर सब बंधनों को कट गया तो वो क्या है? परमात्मा बन गई। और अगर सुख और दुख की अनुभूति है तो वो जीवात्मा है। अंतर है दोनों, जीवात्मा और परमात्मा। जिसको सुख और दुख का अनुभव है वो जीवात्मा है, और जिसको सुख और दुख का अनुभव नहीं हो रहा वो परमात्मा है। ठीक, अब बात करते हैं जो मेन, जो कि न्याय दर्शन अपने जिन पहलुओं के लिए खास स्थान रखता है, अग्रणी स्थान रखता है दार्शनिक विचारधारा में। मैं एक बात यहाँ पर मुझे बड़ा खेद होता है, बहुत अफसोस होता है इस बात का कि हमारा भारतीय दर्शन इतना समृद्ध दर्शन है,
इतना समृद्ध है, लेकिन हमने उसको समझा नहीं। हमने उसको इतना क्लिष्ट बना दिया, इतना कठिन बना दिया, उसको इतना ऑर्नामेंटल बना दिया कि हम उसको समझने की कभी हमने चेष्टा ही नहीं करी। और आज जो बात होती है, नई थ्योरीज आ रही हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म और ये थ्योरी वो थ्योरी, अरे ये सारी थ्योरीज मौजूद है, ये सारी थ्योरीज भारतीय वांग्मय में मौजूद है, सिर्फ उनको न्यू वाइन इन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कह के परोसा जा रहा है। लेकिन हमने अपने भारतीय वांग्मय को कभी भी समझने का प्रयास नहीं किया। सारी थ्योरीज वही हैं, लेकिन हमने जब उसको हम एक नया चोला पहना देते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमने एक नई थ्योरी इजाद करी। और भारतीय दर्शन को कहीं ना कहीं हम नकारते रहे हैं। और शायद इसीलिए जिस तरीके से जो वेदों को हम इतना हमने कठिन बना दिया कि आम भाषा तक, उस आम जनमानस तक उसका पहुंच पाना संभव नहीं हुआ, उसी तरीके से भारतीय दर्शन को हमने इतना क्लिष्ट समझाया, इतना क्लिष्ट समझा कि वो हमारे हृदय में नहीं उतर पाया। अब बात करते हैं न्याय दर्शन की एपिस्टेमोलॉजी की। यूं तो अगर हम देखें कि जो ज्ञान का सिद्धांत है, ज्ञान का चर्चा समय समय पर चर्चा होती रही है। ज्ञान क्या है, ज्ञान की यथार्थता क्या है, ज्ञान के प्राप्त करने के साधन क्या है, इन सभी विषयों पर प्रत्येक दर्शन में चर्चा हुई है। हर दर्शन का जिसको कहते हैं कि ये खास पहलू रहा है उसकी एपिस्टेमोलॉजी को टच करना, ज्ञान मीमांसा को टच करना। न्याय दर्शन की एपिस्टेमोलॉजी बात करते हैं, ठीक। न्याय दर्शन ने चार प्रकार के, न्याय दर्शन ने कहा है कि प्रमाण, न्याय ने प्रमाण की बात करी है, प्रमाण शास्त्र की बात करी है, ठीक। अब प्रमाण शास्त्र है क्या? न्याय दर्शन में एपिस्टेमोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के ज्ञान की बात की गई है, एक यथार्थ ज्ञान और दूसरा अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी कि प्रमा, दार्शनिक भाषा में अगर हम बात करें तो यथार्थ ज्ञान का तात्पर्य है न्याय दर्शन के मुताबिक प्रमा, प्रमा जिसको प्रमाणित किया जा सके, जिसको प्रमाणित किया जा सके वो प्रमा। शब्दों से ही इसको याद रखने की कोशिश करिएगा कि यथार्थ ज्ञान यानी कि प्रमा, प्रमा यानी कि जो प्रमाणित किया जा सके। और दूसरा ज्ञान है अयथार्थ ज्ञान यानी कि अप्रमा, जिसको प्रमाणित ना किया जा सके, ठीक। अब प्रमा क्या है? प्रमा जो यथार्थ ज्ञान है वो चार प्रकार का न्याय दर्शन ने बताया है। पहला प्रत्यक्ष, ऑब्जर्वेशन, एक एक करके डिस्कशन करेंगे, पहले चारों के नाम एक साथ बता दे रहे हैं आपको। प्रमा चार प्रकार के, यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का है। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है उपमिति यानी कि उपमान, उपमान, और चौथा है शब्द यानी कि अथॉरिटी, टेस्टिमनी। सांख्य दर्शन तीन प्रकार के ज्ञान की बात करता है, तीन प्रकार के यथार्थ ज्ञान की बात करता है। न्याय दर्शन ने चौथा जोड़ा है उपमिति यानी कि उपमान। तो न्याय दर्शन की जब हमने पहले चर्चा करी थी, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान तीन प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द।
न्याय दर्शन के मुताबिक, सांख्य दर्शन के मुताबिक तीन प्रकार का था और न्याय दर्शन के मुताबिक चार प्रकार का ज्ञान है, प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यक्ष क्या है, प्रमा ज्ञान क्या है। प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्रतिअक्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रतिअक्ष यानी कि जिसका आंखों से डायरेक्ट साक्षात्कार हो, प्रत्यक्ष हो। अब सवाल ये उठता है, फिर से सुनिए, सवाल ये उठता है कि अगर प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि आंखों से जिसका साक्षात्कार किया जाए वो प्रत्यक्ष है, तो त्वचा तो हवा का स्पर्श तो आंखों से तो नहीं होता। अगेन यहाँ स्पष्टीकरण है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है जो कि हम अपनी पांच इंद्रियों के द्वारा अनुभव करें। रसगुल्ला, हमेशा इस बात का एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे कहेंगे मैडम हमेशा रसगुल्ले की बात करती हैं। रसगुल्ला मीठा है या खट्टा है, इसका स्वाद कैसे जानेंगे आप? रसास्वादन करके, अपनी जिभा में रख करके। ठीक, पानी गर्म है या ठंडा है, इस बात का प्रमाण कैसे देंगे आप? आप अपने हाथों से स्वयं जब स्पर्श करेंगे या आप उसको पिएंगे तो आपको उसका पता चल जाएगा कि ये जल गर्म है या ठंडा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान से जो 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 सीखने वाला है, जो नोअर है, जो प्रमाता है, देखिए एक चीज यहाँ पे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि जो जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसमें भी तीन चीजों का होना आवश्यक है, तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहला है प्रमाता, दूसरा प्रमेय। ठीक है, प्रमाता माने जो जानने की इच्छा रखने वाला है, और जो प्रमेय माने जो सब्जेक्ट है। जब तक ज्ञाता और ज्ञेय नहीं होंगे, सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हमें जानने की आकांक्षा क्या होगी? हमारी आंखें क्या देखती, भाई हमारी इंद्रियां हैं, हमारी आंख है, कान है, नाक है, सब है, हमारी पांच इंद्रियां हैं, लेकिन इनके सामने जब तक एक विषय उपलब्ध नहीं होगा, विषय नहीं होगा, तब तक हम जानेंगे क्या? आंख किसको देखेगी, कान क्या सुनेंगे, त्वचा किसका स्पर्श करेगी, मुंह क्या शब्द नहीं होंगे, मुंह क्या बोलेंगे? तो किसका होना आवश्यक है? प्रमेय का होना आवश्यक है, सब्जेक्ट का होना जरूरी है। प्रमाता हो और सब्जेक्ट हो, दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो यथार्थ ज्ञान, पहला ज्ञान जो इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान आखिर कैसा होता है। प्रमा के तीन अंग हैं, प्रमा के तीन अंग हैं। पहला अंग है उसका नोअर, जो भी बात करी प्रमाता। जब भी हम कोई प्रमा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको हम, उसके लिए तीन अंग होना आवश्यक है। पहला नोअर यानी कि प्रमाता, और दूसरा प्रमेय यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई तो ऑब्जेक्ट हो जिसको कि हम जानने की कोशिश करेंगे, और तीसरा है प्रमाण, सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स होना चाहिए कि ये हम प्रमाणित कर सकें। जब तक किसी भी चीज के हम जान नहीं सकते, जानने की इच्छा रखने वाला ही नहीं है सामने, आप कितना भी सब्जेक्ट क्यों ना ले आए, कोई भी विषय क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसको जानने वाला नहीं है, बेकार है। और जानने के बाद अगर उसका प्रमाण ना दिया जा सके,
तो भी बेकार। ठीक है, अब जो प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष का भी विशेषताएं हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की भी अपनी विशेषता है। प्रत्यक्ष ज्ञान की पहली विशेषता है कि ये क्या है, संदेह रहित है। पहली विशेषता उसकी ये है कि प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित होता है। कैसे? आग, ये प्रत्यक्ष कौन करता है? मैं स्वयं प्रत्यक्ष करूंगी। जो जो नोअर है वो स्वयं प्रत्यक्ष करेगा, किसी दूसरे का प्रत्यक्षीकरण आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ये आग जल रही है, मुझे पता है कि ये आग, किसी ने मुझसे कहा कि ये आग गर्म है या ठंडी है, ठंडी कहा, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि आग गर्म है या ठंडी है? जब तक कि मैं उसका स्वयं स्पर्श ना कर लूं। अब आप कहोगे कि क्या स्पर्श करना आवश्यक है? आप किसी भी बालक को देख लीजिए, बचपन से देख लीजिए, अपने घरों में किसी भी छोटे से बालक को आप देख लीजिए कि जब तक वो अपनी माँ के कंट्रोल में रहता है, जब तक वो अपने माता पिता या किसी के भी कंट्रोल में रहता है, तो आग से आप उसको डराते हैं, आग गर्म है, छूता नहीं है। लेकिन मौका मिलते ही के साथ उस आग को एक बार स्पर्श जरूर करता है, चाहे वो मोमबत्ती की लौ पकड़े या जलता हुआ दिया पकड़ेगा अवश्य। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, अपने लिए उसने प्रत्यक्ष, उसको क्या मिला, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि ये जो जलती हुई लौ है, ये जो जलता हुआ चीज फ्लेम है, अब नहीं छूगा क्योंकि इसमें क्या है, आग है। तो संदेह रहित है, जिसको कि कहते हैं हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये संदेह रहित है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार होता है, विषयों का साक्षात्कार स्वयं प्रत्यक्ष में होता है। विषय मतलब आंख का विषय क्या है, देखना, आंख स्वयं देखती है, कान सुनते हैं, आप इस समय मुझे प्रत्यक्ष, मेरी भाषा आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। ठीक, रस का स्पर्श, रस का स्वाद आपकी जीवा बताएगी, विषयों का साक्षात्कार आप डायरेक्ट करोगे, किसी और के माध्यम से नहीं करोगे, अनुमान नहीं लगाओगे, है ना, सुन के नहीं मानोगे, सुन के नहीं सीखा आपने कि कोई भी चीज़ मीठी होती है या खट्टी होती है कि कैसे होता है, आपने स्वयं उसका अनुभव किया, स्वयं किया, तो विषयों का साक्षात्कार आपको हो जाता है। तीसरी विशेषता यह है कि स्वतंत्र है और प्रमाण से रहित है, स्वतंत्र है प्रत्यक्ष, उसके लिए किसी आपको किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान विशेषता है प्रत्यक्ष ज्ञान की। अब बात करते हैं कि न्याय दर्शन में जो एक बात कही जाती है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्य ज्ञानम। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्य ज्ञानम, या इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, क्लियर। अब तीन तरीकों की बात करी गई है कि अगर तीन तरीके के तीन चीजें होना इंद्रियों के सन्निकर्ष के लिए आवश्यक है, पहला इंद्रिय का होना, दूसरा है विषय का होना, और तीसरा है सन्निकर्ष का होना। ठीक है, तो तीनों चीजों का जब तक नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा। अब जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके भी दो भेद हैं, एक है लौकिक और एक है अलौकिक।
लौकिक प्रत्यक्ष। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ज्ञान कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है, यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष ज्ञान भी दो प्रकार का है, ठीक, दो प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक है लौकिक प्रत्यक्ष और एक है अलौकिक प्रत्यक्ष। ध्यान से समझिएगा, लौकिक प्रत्यक्ष यानी कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन जिन चीजों की अनुभूति कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, लौकिक प्रत्यक्ष है, दृष्ट है। लेकिन दूसरा है अलौकिक, और वो है मन। मन को भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन माना गया है। हमारी पांच इंद्रियां तो सभी को पता है, लेकिन हमारा एक मन है जो कि क्या है, हमारे को क्या करवाता है, सुख और दुख की अनुभूति कराता है। ये आँख को नहीं होती है, ये कान को नहीं होती है, ये लौकिक इंद्रियों को नहीं होती है, ये मन को होती है। आप कहते हैं आज मेरा मन खुश है, कहाँ है मन? तो ये कौन सा ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान है, प्रत्यक्षीकरण है, क्योंकि आपको सुख की अनुभूति हो रही है, ये प्रत्यक्ष है ना? ये प्रत्यक्ष है कि आपको सुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन वो जो मन है वो कैसा है, अदृष्ट है, दिख नहीं रहा। पांच इंद्रियां हमारी दिख रही है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो अनुभूति करता है। और वो कैसी अनुभूति करता है, अदृष्ट, आत्मिक अनुभूति करता है, आत्मिक। और हम कहते हैं आज हम मेरा मन खुश हो गया, क्यों भाई, क्यों खुश हो गया? आंखों को खुश होना था, कानों को खुश होना था, जबान को खुश होना था, हाथों ने छुआ था तो हाथों को खुश होना था। आपने तो ये नहीं कहा कि मेरा हाथ खुश हो गया, मेरा आंख खुश हो गई, आपने क्या कहा, मेरा मन खुश हो गया, है ना? कहते ना कि मेरा मन खुश हो गया, तो ये मन क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष है। यथार्थ है क्योंकि आप सुख की अनुभूति कर रहे हैं, इसलिए यथार्थ तो है, लेकिन अलौकिक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद बताए मैंने आपको, अलौकिक और लौकिक। लौकिक यानी कि अपनी इंद्रियों के द्वारा, और अलौकिक यानी कि जो कि अनुभूति से परे है, अनुभूति नहीं की जा, आपके सिवा उसकी अनुभूति कोई नहीं कर सकता। अगर आप किसी से कहते हैं कि जो है आप मुझे बताएं कि कैसी अनुभूति हो रही है, और आप कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, तो उस खुशी को आप नहीं, उसको माप नहीं सकते हैं, नहीं माप सकते, क्योंकि वो खुशी क्या है, आंतरिक है, अनुभूति कर रहे हैं आप। दूसरे की खुशी और दूसरे के दुख का भी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, आपके दुख और आपकी खुशी का भी अंदाज़ा दूसरा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अनुभूति सिर्फ और सिर्फ किसको है, आपको प्रत्यक्ष रूप से है। क्लियर? अब अलौकिक भी दो तरीके से होता है, ठीक है, अलौकिक भी जो प्रत्यक्ष है वो तीन तरीके का होता है। पहला क्या है, पहला है सामान्य प्रत्यक्ष, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। जैसे कि हम अलौकिक, हम जनरली हम एक कैटेगरी बना देते हैं जो अलौकिक प्रत्यक्ष है। सामान्य की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कि गाय पशु है ना, गाय को पशु कहते हैं, बैल को पशु कहते हैं, शेर को पशु कहते हैं, तो हमने उनकी क्या जाति कैटेगरी क्या बना दी है उनकी, कि पशु है, ठीक है, एक पशु है। दूसरा, हमने अपने आप को देखा सामने, दूसरे मानव को देखा, और लोगों को देखा, अपने साथ के जितने भी मनुष्य लोग हैं उनको देखा, हमने उनको किस श्रेणी में रखा, मनुष्य की श्रेणी में, मनुष्य की जाति में रखा कि ये मनुष्य है और ये पशु है। समझिएगा, अब कैसे धारणा, एक साधारण धारणा कैसे बनाई हमने अलौकिक प्रत्यक्ष की, कि एक व्यक्ति को हमने देखा कि एक व्यक्ति मरा, एक व्यक्ति की मृत्यु प्राप्त हुई उसको,
फिर कुछ दिनों बाद हमने देखा कि दूसरे व्यक्ति को भी मृत्यु प्राप्त हुई, तीसरे को भी हुई। तो एक जनरल एक नियम जो बनाया वो क्या बनाया कि सभी मनुष्य मरणशील है, बनाया ठीक है। अब ये जो है हम उसको एक, अगर आपने ये कहा कि ये मनुष्य जाति है तो ये एक सामान्य बात कह दी आपने, एक सामान्य सभी उसमें मनुष्य शामिल हो गए, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो एक्स वाई जेड, सारे मनुष्य के लिए एक जाति है मनुष्य जाति, और सारे पशु के लिए है एक जाति है वो है पशु, ठीक। और या जितने भी चेतन है उनको हम क्या कह देते हैं, जिसमें भी जान है जिसमें भी प्राण का संचार है उसकी हमने क्या जाति बना दी है, चेतन, ये तो कहते हैं चेतन। अब दूसरी कैटेगरी है अलौकिक की है, वो है देखिए ज्ञान प्रत्यक्ष लक्षण, ठीक है, ज्ञान प्रत्यक्ष लक्षण कॉम्प्लिकेशन। इसका उदाहरण सुनिए, आपने कई बार अनुभव किया है, कई बार आपने अनुभव किया होगा, रसगुल्ला खाया है, खाया ना, मीठा होता है, आपको मीठा अगर पसंद है आप रसगुल्ला खाते हैं, या किसी को गोलगप्पे बहुत पसंद है आप गोलगप्पे खाते हैं, और बाजार आप जाते हैं और गोलगप्पे की दुकान के बगल से निकलते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है, खाया तो नहीं, पानी क्यों आया, नहीं आना चाहिए था ना, क्योंकि आपकी जीभा ने अभी रसास्वाद तो नहीं किया, पानी क्यों आया आपके मुंह में, ये क्या है, ये क्या था, ज्ञान का दो पुराने अतीत के साथ आज वर्तमान को हमने क्या किया, अनुभूति करी कि पहले जब गोलगप्पा खाया था तो ऐसा स्वाद था, और उसको देखते ही साथ, खाया नहीं अभी, उसको देखते ही साथ आपके मन में क्या आ गया, गोलगप्पे का स्वाद आ गया। जिसको मीठा पसंद है उसको रसगुल्ले का स्वाद आने लगता है मिठाई की दुकान से निकलते ही, इमली का नाम सुनते ही क्या आने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है, खटास आ जाती है, खाया तो नहीं, इसको क्या कहते हैं, अलौकिक प्रत्यक्ष। उस इंद्रिय ने अनुभूत नहीं किया जो इंद्रिय उसके लिए बनी थी, उस इंद्रिय ने अनुभव नहीं किया, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने क्या किया, एक कनेक्शन कर दिया, मुंह में पानी आया बिना खाए, इमली का नाम सुनते ही मुंह में खट्टापन आ जाना, ठीक है ना, तो ये क्या है, अलौकिक प्रत्यक्ष है, इंद्रियों को नहीं हो रहा, ये किसको हो रहा है, मन को हो रहा है, मानसिक अनुभूति है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको अलौकिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, योगज यौगिक, ये अनुभूति सभी लोगों को नहीं होती, ये अनुभूति कभी कभी आपको इंट्यूशन होता है, कभी कभी आपको कुछ ऐसा सिक्स्थ सेंस, जिसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस डेवलप हो गई है, वो अनुभव होता है, वो भी क्या है, अलौकिक है, जिसका हम न देख पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन वो अनुभूति हो रही है, ठीक है ना, वो अनुभूति हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम, यौगिक। तो प्रत्यक्ष में भी, प्रत्यक्ष में दो तरीके का, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, और अलौकिक में आप ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं मन के माध्यम से करते हैं, मन, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अनुमान के, नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्राप्ति करने का जो साधन है वो है अनुमान। अब अनुमान क्या है, अनु और मान, अनुमान दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनुमान यानी कि पीछे चलना, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करना, पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व बात से रिलेट करके उसको समझना। देखिए रिसर्च में अनुमान का बहुत इम्पोर्टेंस है, रिसर्च बिना अनुमान के नहीं चलता,
न्याय दर्शन में अनुमान का खास जोर दिया गया और रिसर्च में अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है, परिकल्पना बनानी पड़ती है। बिना परिकल्पना के, बिना हाइपोथेसिस के हम नहीं रिसर्च की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। अब अनुमान, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अनुमान की, तो अनुमान जैसे कि बादलों को देख करके बारिश का अनुमान लगाना, ठीक है। कई बार अनुमान ऐसे भी हम लगाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मेरा मानना होता है कि कोई चीज़ जिसको कि हमारी जान पहचानी है, पिताजी के बैग को देख करके पिताजी की उपस्थिति का अनुमान लगा लेना। पहले ये हम लोग स्वयं का अनुभव है कि पिताजी की चप्पल को देख करके डर जाते थे कि हाँ पिताजी घर पे हैं, और बिल्कुल व्यवस्थित हो जाते थे कि आ गए, चाहे बेशक वो आए हो ना, हो सकता है दूसरी चप्पल पहन के गए हों, लेकिन पिताजी का बैग, पिताजी की चप्पल, पिताजी की छड़ी, जो भी चीज़ है, जिससे भी आप रिलेट करते हैं, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि जिस चीज़ से भी आप उसको रिलेट करते हैं उससे आप अनुमान लगा लेना, ठीक है। और वर्षा को, बादलों को देख करके वृष्टि का अनुमान लगा लेते हैं हम, या बाहर सुबह उठे और गीला देखा तो क्या अनुमान लगाया कि वर्षा हुई। जरूरी नहीं है सच हो, जरूरी नहीं है। तो अनुमान के, ध्यान दीजिएगा, अनुमान के तीन पक्ष होते हैं, उसके तीन अवयव हैं। बिना तीन अवयव के अनुमान सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। एक बड़ी हर किताबों में आपको ये दृष्टांत मिलेगा, ये उल्लेख करेंगे और दूसरा दृष्टांत भी देंगे हम आपको। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नी, यानी कि जहां जहां धुआं है वहां आग है। धुएं से आग का अनुमान लगा लेना, धुएं से आग का अनुमान लगा लेना, अनुमान ही तो लगाया। कहीं पर भी धुआं उठते आप देखते हैं, आप तुरंत समझ जाते हैं आग लग गई है, यही तो कहते हैं, धुएं से आग का अनुमान लगा लेना। तो अनुमान लगाने के पीछे भी तीन अवयव का होना आवश्यक है। वो कौन से हैं? पहला है पक्ष, दूसरा है साध्य और तीसरा है हेतु, ठीक। अब इसको हम बहुत बहुत साधारण एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे, जो हम सब आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल साधारण भाषा में इसको समझेंगे कि हम कैसे हम पक्ष और साध्य और हेतु को समझें। भारी भरकम शब्द नहीं, पक्ष और साध्य और हेतु जो है आपको भारी भरकम लगेंगे, लेकिन नहीं, साधारण भाषा में इसको समझिए। पक्ष का मतलब है जिसके संबंध में अनुमान किया जा रहा है। पक्ष कौन है? जिसके संबंध में अनुमान किया जा रहा है। और साध्य क्या है? जिसके बारे में सिद्ध किया जा रहा है, जिसके बारे में सिद्ध किया जा रहा है। और हेतु क्या है? जिन प्रमाणों की सहायता से, जिन प्रमाणों की सहायता से सिद्ध किया जा रहा है। अब उदाहरण से समझिए, छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल रोजमर्रा का उदाहरण, ठीक है। पिताजी हैं, या मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ये दृष्टांत, ये उदाहरण मैं प्रमाण अपने स्टूडेंट्स को जरूर देती हूँ समझाने के लिए, साधारण भाषा में समझाने के लिए कि मैं कॉलेज रोज़ जाती हूँ, मैं कॉलेज रोज़ जाती हूँ, ये मेरा चश्मा है, ठीक, मेरा बैग है, सब बच्चे पहचान गए हैं कि ये मैडम का चश्मा है, ये मैडम का बैग है, ये मैडम का लैपटॉप है, पहचानते हैं। कमरा खुला है मेरा, ये सामान रखा था, ये सामान रखा था,
मेरा चश्मा रखा था, मेरा बैग रखा था और मेरा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जिसको कि मैं रोज़ रखती हूँ वो रखे हुए थे। क्या अनुमान लगाएंगे आप? आप अनुमान ये लगाएंगे कि मैं मौजूद हूँ, ये अनुमान है। आपने दूसरे व्यक्ति से जाकर के कहा, एक बच्चे ने कहा कि मैडम क्लास में नहीं आई, तो दूसरे ने कहा जिसने मेरा सामान देखा उसने क्या कहा कि नहीं उनका सामान रखा हुआ है, इसके मतलब वो कॉलेज में उपस्थित है। ठीक, लेकिन मैं नहीं आई। क्यों नहीं? क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है। मेरा सामान तो था लेकिन मेरा अनुमान सर्वथा इस बात का प्रमाण नहीं है कि मैं उपस्थित हूं। हो सकता है वो सामान पहले का रखा रह गया, क्लियर? हो सकता है वो सामान पहले का रखा हुआ रहा होगा, इसलिए आपका अनुमान गलत हो गया। और सही भी हो सकता है, मेरा सामान इस बात का प्रमाण साबित भी हो सकता है जब मुझे क्या किया, आंखों ने प्रत्यक्ष देख लिया। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है लेकिन अनुमान को प्रमाण की आवश्यकता है, सिद्ध करने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, अब अनुमान कैसे, मिथ्या अनुमान कैसे हो सकता है? मिथ्या अनुमान कैसे होता है? जैसे सुबह आप सो करके उठे, आपने अपना बाहर जो है वो गीला देखा, अपना लॉन, तो आपने क्या अनुमान लगाया? आपने अनुमान लगाया कि बारिश हुई होगी। सही भी हो सकता है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने पानी से धोया हो जिसकी वजह से बाहर गीला था। दोनों हो सकते हैं। एक प्रमाण लेकिन चाहिए, एक को सिद्ध करने के लिए कि बारिश हुई या किसी ने धोया, उसके लिए प्रमाण चाहिए। ठीक है, तो अनुमान के लिए जरूरी है कि हम क्या करें, हमारे पास तीन चीजें हैं, पक्ष है, साध्य है और हेतु है, जिसके जरिए हम अनुमान को प्रमाणों की सहायता से सिद्ध कर सकते हैं। रिसर्च में तो हम यही करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं, फिर परिकल्पना को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। सिद्ध करते हैं तब वो प्रूफ या डिसप्रूफ करते हैं। तो न्याय दर्शन का सोचिए या सांख्य दर्शन का, अनुमान आज भी रिसर्च में अनुसंधान में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कोई नहीं बताता रिसर्च पढ़ाते समय, कोई भी दर्शन की बात नहीं करता कि ये जो हम परिकल्पना की बात कर रहे हैं, ये जो हम अनुमान लगाने की बात कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अनुमान हाइपोथेसिस भी रिसर्च में ऐसी भारी भरकम तरीके से पढ़ाई जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है। क्यों? क्योंकि हमने उसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी तरीके से दर्शन भी इतना भारी भरकम बना दिया जाता है कि वो एक यहाँ नहीं बैठता, यहाँ नहीं आता, दिल पे नहीं आता, मस्तिष्क से, मन से अनुभूति नहीं कर पाते। अब तीसरी बात है कि जैसे कि धुआं, अब आप कहोगे कि ज़रूरी तो नहीं है कि जहाँ आग में धुआं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि धुआं उठे। बिल्कुल सही बात है कि अगर आग है तो ज़रूरी नहीं है कि धुआं हो, लेकिन जहाँ धुआं होगा वहाँ आग अवश्य होगी। बगैर आग के धुआं नहीं उठेगा, कैसी भी आग क्यों ना हो, लेकिन धुआं तभी उठेगा जब आग होगी। लेकिन आग है और धुआं नहीं है तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर आग में धुआं उठे। हर आग में धुआं उठना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर धुएं के पीछे आग का होना आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ओके, डन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि अनुमान भी तीन प्रकार के होते हैं।
पहला अनुमान कहते हैं पूर्ववत अनुमान। पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि बादल देखे तो लगा कि हाँ आज बारिश होगी, है ना। बादल को देख करके हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आज बारिश होगी, लगाते कि नहीं लगाते, ये क्या है, पूर्ववत अनुमान। हमने, क्योंकि ये किससे सिद्ध हुआ है, ये कई बार के अनुभवों से हमारा अनुमान बनता है, और हमने अपने अनुभवों से ये सिद्ध हुआ कि ये जो, इसमें भी देखिए कहावतें हैं, गांव में कहावतें बनती थी, भूरे बादल और काले बादल, है ना। लेकिन काले बादलों को देख करके और भूरे बादलों को देख करके भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता था कि कौन से बादल बारिश लाएंगे, वर्षा किस बादलों से होगी। और कैसा पूर्ववत अनुमान, कि अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ने का अनुमान, बारिश नहीं है अगर तो सूखा पड़ने का अनुमान लगा लेना, या अत्यधिक बारिश होने पर फसल के नष्ट होने का अनुमान, बेमौसम बारिश होने पर फसल के नष्ट होने का अनुमान किसान लगा लेता है, आम आदमी लगा लेता है। तो ये क्या कहते हैं, पूर्ववत अनुमान, पहले से अनुमान लगा लिया, क्लियर। दूसरा अनुमान होता है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान यानी कि सुबह उठे, पेड़ गीले थे, कपड़े गीले हो गए थे, आंगन में पानी पड़ा था, बारिश का पानी, ये क्या लगाया हमने कि बारिश हुई थी जिसकी वजह से पूरा गीला है, ठीक है ना। आपने बारिश नहीं देखी, आप रात के समय सो रहे थे, लेकिन सुबह जब आप उठे, आपने पेड़ों में पानी जमा हुआ देखा, आपने बारिश के पानी से कपड़े भीगे हुए देखे, तो आपने क्या अनुमान लगाया कि रात में बारिश हुई थी, यही तो अनुमान लगाया आपने। तीसरा अनुमान होता है सामान्यतो दृष्ट अनुमान, ठीक है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान, हम जब दो चीजों को एक साथ देखते हैं, दो चीजों को एक साथ देखते हैं तो उसका हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे दो लोग एक साथ रहते हो तो एक को देख करके हम दूसरे का अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ वो कहाँ है, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, तुम्हारी सखी कहाँ है, क्योंकि दोनों को हमेशा क्या करते हैं, साथ में देखा तो ये मान गए कि दोनों साथ में ही होंगे। एक होता है सामान्यतो दृष्ट अनुमान, एक जैसा देख करके अनुमान लगा लेना, ठीक। तो तीन प्रकार के अनुमान हुए, पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। याद रखिएगा, रिसर्च की फील्ड में अनुमान का जो इन्फ्रेंस है, इन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, इन्फ्रेंस का अत्यधिक महत्व है, ठीक। अब तीसरा जो ज्ञान प्राप्ति का साधन है वो है शब्द, शब्द टेस्टिमनी, अथॉरिटी। शब्द भी कैसा हो, शब्द से तात्पर्य क्या है कि उन लोगों के द्वारा कहे हुए वाक्य जो कि प्रमाणित व्यक्ति हो, विश्वसनीय व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ बात विश्वसनीय नहीं हो सकती, प्रमाणित नहीं हो सकती, और उसको हम ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं मान सकते। जो हमारे शब्द भी दो प्रकार के हैं, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। जो वेद है, जो भी मजहबी किताबें हैं, खाली वेदों की बात नहीं करेंगे, जो भी मजहबी किताबें हैं हमारी, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, क्या आपने उनके रचयिता को या उनके सुनने वालों को या उनके लिखने वालों को देखा, नहीं देखा, लेकिन आप मानते हैं, आप मानते हैं कि हाँ वेद ईश्वर की रचना है, कुरान ईश्वर की रचना है, बाइबल ईश्वर की रचना है, मान रहे हैं आप, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें, याद रखिएगा, उसमें वाद विवाद, तर्क और कुतर्क की गुंजाइश नहीं है, उसकी प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जाता, ऐसा हम मान लेते हैं।
जिसको संदेह जिस बौद्धिक और बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, चार्वाक है, नहीं मानता वैदिक विचारधारा को, नहीं मानता वेदों को, नहीं मानता, तो ठीक है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन चूंकि वेदों की प्रामाणिकता को पूरी तरीके से सर्वथा असिद्ध कर देना, ये भी मुश्किल कार्य है, नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम शब्द मानते हैं, हम उसको टेस्टिमनी मानते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अदृष्टार्थ, दिखते नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम किताबें जो पढ़ते हैं, ये क्या है, शब्द ही तो है। जो हम किताबों के जरिए जो ज्ञान हासिल कर रहे हैं, पानीपत के समय में क्या आप थे या मैं थी, लेकिन मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं किसी न किसी विश्वसनीय स्रोत का सहारा लेकर के मैंने आप तक वो बात पहुंचाई, तो वो क्या हो गया, आप्त हो गया, शब्द हो गया। सांख्य में उसको आप्त कहा गया है, न्याय दर्शन में उसको शब्द कहा गया है। ठीक है, न्याय दर्शन में इसको शब्द कहा गया है और सांख्य दर्शन में इसी ज्ञान प्राप्ति के साधन को आप्त कहा गया है। अब मैं आपको इस समय आपसे रूबरू हूं, मैं आपके सामने रूबरू हूं, तो ये क्या है, ये भी तो आप मेरी बात पर, मैं आपको न्याय दर्शन के बारे में बता रही हूँ, सवाल जवाब तो होंगे ही होंगे, लेकिन मैं आपको आप मुझे विश्वसनीय स्रोत मान रहे हैं कि हाँ जो ये बता रही हैं ये न्याय दर्शन है, तो ये क्या है। अगेन इसमें आप हमसे जो है सवाल कर सकते हैं, जवाब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ, प्रत्यक्ष हूँ मैं आपके सामने, सवाल जवाब आप मुझसे कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वैदिक वेदों के रचयिता आपके समक्ष नहीं है, तो शब्दों को हम मानते हैं। तो शब्द क्या है, शब्द जो अथॉरिटी, जिस चूंकि विश्वसनीय व्यक्तियों के द्वारा कहे हुए, व्यक्ति के द्वारा कहे हुए जो वाक्य हैं वो शब्द हैं। अब आप कहेंगे, सवाल ये उठता है, प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि इसका शिक्षा में क्या उपाय देता है, इसकी शिक्षा में क्या उपाय देता है। शिक्षा में इसकी ये उपाय देता है कि जो आप टेक्स्ट बुक मेथड आज पढ़ रहे हैं, ये किसके जरिए आया है, शब्द विधि के जरिए आया है। अगर ये शब्द विधि किसी ने हमको नहीं बताया, टेक्स्ट बुक मेथड की हम बात करते हैं लेकिन टेक्स्ट बुक मेथड में ये नहीं बताया जाता कि ये तो इसका जो है भारतीय दर्शन में इनकी चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है और वहीं से शब्द से ही टेक्स्ट बुक निकल करके आई है। एक ज्ञान प्राप्त करने का जरिया क्या है, हमारे टेक्स्ट बुक्स हैं, हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, जिनको कि हम क्या मानते हैं, ज्ञान का स्रोत मानते हैं। ठीक है, चौथा है उपमान, जिसको कि उपमिति भी कहते हैं। उपमान यानी कि सादृश्य चीज के सहारे, सादृश्यता के जरिए क्या देना, उदाहरण दे करके नई ज्ञान का अनुमान, नए ज्ञान को प्राप्त करना। कैसे कैसे, जैसे कि एक बात और यहां पर क्लियर कर दूं, पहले ही क्लियर कर दूं, नहीं दिमाग से उतर जाएगा, कि जो सांख्य दर्शन है उसने उपमिति को, उपमान को ज्ञान प्राप्ति करने का साधन नहीं माना। ठीक है ना, ज्ञान प्राप्ति करने का साधन नहीं माना, लेकिन न्याय दर्शन ने उपमान को उपमिति को ज्ञान प्राप्ति करने का साधन माना है। और आप जो साहित्य है उठा करके देखिए, कवियों को उठा करके देखिए, कवि उपमान का ही सहारा लेकर के अपना कविता की रचना करते हैं। उपमान का जब तक सहारा नहीं लेंगे, फला की तरह ऐसा, उसकी तरह चाल, उसकी तरह आँख, उसकी तरह ये कमल के सदृश, ये क्या है, उपमान है, उपमा, तुलना करना, कंपैरिजन आवश्यक अंग है, आवश्यक है। ठीक है, तो उपमान के जरिए, अब जैसे मान लीजिए कि किसी से पूछा कि जो है वो गाय, नील गाय कैसी होती है, कि नील गाय कैसी होती है,
तो उसको जनरल भाषा में ये समझा दिया गया कि गाय के सदृश ही दिखती है लेकिन गाय से थोड़ी भिन्न होती है। अब उस व्यक्ति ने जब भी कभी गाय से ज़रा सा भी भिन्न जानवर देखा तो उसने क्या ये नील गाय के सदृश, ये गाय के सदृश है इसलिए ये नील गाय है। सही नहीं हो सकता, उपमा है, बस उपमा है। अगर कहा जाता है कि उसकी चाल हंस के जैसी है तो हंस जैसे थोड़ा ना इंसान चलता है, लेकिन उपमा दी जाती है उसके उसके उसमें चंचलता हिरणी की है। तो हिरणी जानवर है, और आप किसी स्त्री की तुलना या किसी पुरुष की तुलना किसी जानवर से कर रहे हैं? नहीं, उपमा दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं। तो ज़रूरी है कि भी ज्ञान प्राप्ति करने का एक साधन है। तो न्याय दर्शन के मुताबिक ज्ञान प्राप्ति के कितने साधन हैं? चार साधन हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ज्ञान कितने प्रकार का, एक शॉर्ट रिकैप आपको हम वाइंड अप कर रहे हैं कि क्योंकि समय मेरे ख्याल से बहुत ओवर हो चुका है, मुझे नहीं पता कितना समय है, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो ज्ञान दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ ज्ञान चार प्रकार का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अयथार्थ ज्ञान संशय, भ्रम, मिथ्या, ये यथार्थ ज्ञान है। संशय क्या है? रस्सी को देख करके सांप का अनुमान लगा लेना, ये संशय है, संदेह है, सत्य नहीं है, अयथार्थ है। रस्सी को देख करके सर्प का अनुमान लगा लेना, ये क्या था? संशय। आपने खेतों में देखा होगा कि गांव में खेतों में देखते हैं पक्षियों को भगाने के लिए एक खड़ा कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं स्मरण आ रहा है इस समय, कि उसको खड़ा कर दिया जाता है। तो वो क्या है? संदेह, संशय है, मिथ्या है, अयथार्थ है। लेकिन उसको देख करके कौन डर जाता है? आप कभी निकलते हैं अचानक रात के अंधेरे में, वो लहलहाता सा दिखता है तो पक्षी तो छोड़िए, इंसान भी डर जाता है कभी कभी कि अरे कोई खड़ा हुआ है। वो क्या है? मिथ्या ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है। ठीक, तो आज हमने चर्चा करी न्याय दर्शन में। आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं जिससे कि मैं जल्दी जल्दी एक दो सवाल ले लूँ, है ना। आप लोग सवाल पूछ लीजिए। तो कार्यकारण सिद्धांत की चर्चा करी, न्याय दर्शन के सिद्धांत को असत कार्यवाद कहते हैं और सांख्य दर्शन के कार्यकारण को सत कार्यवाद कहते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात हमने करी, ईश्वर की बात करी। हाँ, ईश्वर है, छह गुणों से युक्त है और ईश्वर की प्रमाण भी देता है। कैसे प्रमाण देता है? नैतिक आधार पर प्रमाण देता है, आधार पर प्रमाण देता है, आत्मा का प्रमाण देता है कि अगर आत्मा नहीं होती तो हमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। ठीक है, सुख दुख की, और कर्म, तो हमारा शरीर तो यही रह जाता है, तो कर्म का फल कौन भोग रहा है, शरीर या आत्मा? आत्मा। तो आत्मा का न्याय दर्शन, याद रखिएगा कि न्याय दर्शन हर चीज का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ता है, इसीलिए इसको प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। और इसका इसका जो उद्भव हुआ है, सारे खड्गदर्शनों का जो उद्भव हुआ है, जब घोर संशयवाद था बौद्ध विचारकों के द्वारा, घोर संशयवाद, घोर नैराश्यवाद था जिसने वैदिक धर्म की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। ऐसे सवाल पूछ करके ऐसे समय में इन खड़दर्शनों का जो उदय हुआ है, उन्होंने दोबारा जो भारतीय दर्शन को सिर्फ प्रकल्पनात्मक माना जाता था कि एक कल्पना है, इन्होंने, इन खड़दर्शनों ने भारतीय दर्शन को, वैदिक विचारधारा को एक प्रामाणिकता की तरफ ले जाने का काम किया है। न्याय दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी अगर सही मायने में आप जो है, देखिए, पढ़ाया इसीलिए जाता है कि हम उनको जो है सही तरीके से, हम अपने स्टूडेंट्स को इन भारतीय दर्शनों के ज़रिए हम सही तक पहुंचा पाएँ। लेकिन
रिजल्ट क्या निकलता है कि हम सिर्फ किताबी भाषा का ज्ञान दे करके हम ऊपर से निकल जाते हैं, और बीएड एमिट करने के बावजूद भी जो छात्र हैं उनको भारतीय दर्शन के बारे में या किसी दर्शन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि दर्शन को हम सिर्फ पढ़ने के लिए ना पढ़ें, पास होने के लिए ना पढ़ें, दर्शन को हम जो पढ़ें हम आत्मसात करने के लिए पढ़ें। हम आत्मसात जब तक नहीं करेंगे वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रतिलक्षित नहीं होगा, हमारे अपने अंदर प्रतिलक्षित नहीं होगा, हमारे विचारों में प्रतिलक्षित नहीं होगा। ज़रूरी इस बात को है कि हम दर्शन को समझें, आत्मसात करें। हमारे नाम से कोई भी इस्तेमाल होने लगता है और हम अपने ही दर्शन को नहीं समझ पाते हैं। तो सवाल मुझे कोई नहीं सवाल दिख रहे हैं, दो ही कंडीशन में कोई सवाल नहीं होते हैं, या तो कुछ ना समझ में आया हो या तो सब कुछ समझ में आ गया हो। तो बाद वाला ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा कि सब कुछ समझ में आ गया। पहला ऑप्शन मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग फिर से सुनिएगा कि, और सवाल आप बाद में भी मुझसे कर सकते हैं। समय काफ़ी हो गया है, क्या समय हो गया है मुझे नहीं पता। मैं आपसे चाहूँगी कि आप सवाल करें अगर है, और अगर नहीं है तो मैं सोमू जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं सोमू जी से इजाज़त मांगती हूँ कि सोमू जी मुझे इजाज़त दें, और अगर कोई सवाल है तो आप अपना सवाल रखें जिससे कि मैं जल्दी से सवालों का उत्तर दे सकूं। मेरे को इस चैट बॉक्स में कोई सवाल नज़र नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है कि समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं समझ में आया, जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए हों तो वो जो है आप मुझे बाद में भी लिख सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। काफ़ी लंबा हो गया है व्याख्यान, इसलिए मैं यहीं पर इसको समाप्त करती हूँ। सोमू सर आपका मैसेज मुझे मिला है, क्या मैं समाप्त कर सकती हूँ? सोमू जी क्या मैं समाप्त करूं? थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपको हैव अ नाइस इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।